अगस्त के क्रम में सिकरौल थाना के द्वारा दो अपराधियों को पकड़ा गया जो वहाँ पे हत्या के फिराक में आए हुए थे, किसी को टारगेट करके वहाँ पे पहुँचे हुए थे और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, तो उसी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड करते हुए दो अपराधियों को धर दबोचा और बाकी जो तीन अपराधी कर्मी थे वो भागने में सफल रहे, तो उनकी भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में भी एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी लूटने के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो ब्रह्मपुर थाना ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोनों अपराधकर्मियों को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को क्या बरामद हुआ है सर इनके पास? इसमें जो सिकरौल में जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उसमें दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और ब्रह्मपुर में जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और नगद 8,000 रुपये बरामद। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है सर लोग? सिकरौल वाले मामले में एक जो अभियुक्त है उदित कुमार पांडे, उनका नया भोजपुर ओपी में पुराना किसी चोरी के केस में वो जेल गए हुए हैं। और ब्रह्मपुर वाले मामले में एक रिजू राठौर नाम के अपराधकर्मी का आरा जिले के कारनामे पुर ओपी में एक केस दर्ज। सर राजपुर वाला क्या मामला है? राजपुर थाना क्षेत्र में भी परसों रात गश्ती के क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था जो कोई संभवतः कोई अपराधी घटना करने के फिराक में थे, तो गश्ती की तत्परता से वे लोग अपराधी घटना को तो अंजाम दे नहीं पाए लेकिन रात्रि के अंधेरे में का फायदा उठाकर वो लोग भाग गए। सर बड़ी खबर कृष्णापुरम थाना क्षेत्र से, शराब कारोबारी। कृष्णापुरम थाना की जो टीम थी वो उन्होंने एक शराब पिए हुए व्यक्ति को पकड़ा था जो जिसके सपोर्टर के द्वारा बाद में उनको छुड़ा लिया गया और पुलिस पे पथराव भी कर दिया गया। जिस व्यक्ति को छुड़ाया गया सर क्या वो राजद प्रखंड अध्यक्ष और पूर्व मुखिया हैं? अभी तक जो तथ्य सामने आया उसके हिसाब से वो उनके बारे में यह बताया जा रहा है, तो उस संबंध में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को डिटेन किया है और उनका सत्यापन चल रहा है, उसमें से जो इन्वॉल्व है उनको जेल भेज रहे हैं।